वेलकम टू टेस्ट ऑफ इंडिया। आज आपसे दो तरह की स्वीट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो काफी आसानी से घर पर उपलब्ध सामग्री से बनेगा, यहाँ तक कि फटे हुए दूध से ये कलाकंद साथ ही गाढ़ी रबड़ी दोनों बनाकर दिखाऊंगी, फटाफट से प्रिपेयर कर सकेंगे। इतना दानेदार कलाकंद बनता है इससे जैसे मिठाई वाले दुकान में बनाते हैं, बिल्कुल वैसी ही कलाकंद की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आप घर पर आसानी से प्रिपेयर कर सकेंगे। और ये रबड़ी काफी गाढ़ी और फ्लेवरफुल है, बिना कंडेंस्ड मिल्क मावा या मिल्क पाउडर के प्रिपेयर की गई है। आप भी जब खाने के बाद मीठा खाने का मन करे या तो बच्चे और बड़े फरमाइश करें, रेसिपीज को बनाकर सर्व कर सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें ताकि वे भी बनाकर एंजॉय कर सकें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर से क्लिक करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहले दानेदार कलाकंद की रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं। इसके लिए 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क उबाल रही हूँ मैं, पर पता नहीं क्यों दूध उबालते ही फट गया। वैसे तो कलाकंद को आइडियली छेना बनाकर यानी दूध को फाड़कर इस्तेमाल करते हैं, पर अगर आपका दूध फटा हुआ नहीं है इस तरीके से जैसे मेरा फटा है तो इसे नींबू के रस से या तो विनेगर के इस्तेमाल से फाड़ सकते हैं, पर जैसे छेने के रसगुल्ले में दूध को फटाफट से फाड़कर अलग कर लिया जाता है, पर कलाकंद में थोड़ी देर उबालें इसे ताकि छेना अच्छा गाढ़ा यानी थोड़ी देर पका हुआ तैयार हो। ऐसे हरा पानी जो वे होता है दूध का उसे अलग होने दें। अच्छी तरीके से फट चुका है, अब इसे छानकर अलग करना है। इसके लिए एक बड़े से कटोरे पर ऐसी छन्नी रखी है मैंने, इस पर मलमल का, कॉटन का या तो कोई कॉटन की चुन्नी रख लें, पर धुला हुआ साफ सुथरा कपड़ा रखें। फिर फटे हुए दूध को यानी कि छेना और पानी को ऐसे अलग होने के लिए छन्ने के लिए कपड़े पर रखें और इसे पोटली में बांधकर अलग कर लें, इसे इस तरीके से वॉश कर लें। अगर आपका छेना मेरी तरीके से नेचुरली फटकर बना है तो धोना बहुत कंपलसरी नहीं है, पर अगर नींबू के रस या तो विनेगर के इस्तेमाल से फाड़ा है तो धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि उसका इसमें से टेस्ट निकल सके। निचोड़ कर आधे घंटे तक ऐसे किसी जगह पर टांग कर या तो छन्नी में रख दें जिससे एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाए, पर इससे ज़्यादा ना रखें नहीं तो चुई हो जाएगा। ऐसे हाथ से इसे क्रश करना है, पाम की मदद से यानी हथेली से इस तरीके से दबाते हुए चिकना करें जिससे स्मूथ हो सके। वैसे तो पनीर की मदद से भी कलाकंद बना सकते हैं, पर उसमें वे यानी पनीर का पानी नहीं होता जिससे उतना सॉफ्ट कलाकंद नहीं रेडी हो पाता। छेना चिकना हो चुका है और घी भी छोड़ रहा है तो बिल्कुल रेडी है। अब एक कढ़ाई में दूध को उबलने चढ़ा रही हूँ मैं। ये 1/2 लीटर फुल क्रीम मिल्क है, अगर नॉर्मल दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा मलाई डाल सकते हैं। ये पतीले में लगी हुई मलाई है जो साइड में रहती है ना, उसे भी डालकर उबाल रही हूँ मैं। उबलने के बाद चीनी डाली है मैंने, मेजरिंग कप से 3/4 यानी 3/4 कटोरी के करीब चीनी डालें, पर चीनी थोड़ा थोड़ा करके डालें जिससे चीनी पिघलने से ये पतला अचानक से ना हो, मिल जाए तो वापस से थोड़ी चीनी डालें। इस तरीके से करते हुए इसे पका लें, इससे दूध में कंडेंस्ड मिल्क का टेक्सचर आएगा। आंच धीमी करें। इसके बाद तैयार करके यानी कि मैश करके जो छीना रखा था ना उसे यहाँ पर डाल दें। इस तरीके से स्पून से प्रेस करते हुए यानी मिक्स करते हुए चला लें। मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही इसे पकाना है, लो फ्लेम पर नहीं, नहीं तो ये च्यूई यानी कि चिमड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से चलाते हुए 3 से 4 मिनट में ये गाढ़ा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसे नहीं किया जाता है क्योंकि इसे जमाने के बाद कट करते हैं जब हलवाई, तो उसमें हल्का दूध निकलता है और बहुत ज़्यादा हार्ड बर्फी की तरह नहीं होता है। हरी इलायची का पाउडर डालें, चाहे तो केवड़ा वाटर या तो गुलाब जल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्पून से इसे इसी तरीके से दबाते हुए चलाते हुए पकाएं जिससे ये काफ़ी दानेदार बनेगा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल, और सही में ये मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है।
काफ़ी आसान इंग्रेडिएंट्स है और काफ़ी आसानी से बन भी जाएगी। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, लगभग मॉइस्चर भी हल्का है और सूख चुका है। इसे पहले से देसी घी से ग्रीस की हुई थाली या तो ट्रे में जमने के लिए रखें। देसी घी से मिठाई का टेस्ट तो अच्छा रहता ही है, कट करने के बाद निकालने में आसानी भी होती है और समान मात्रा में फैलाते हुए इसे जमने देना है। इसके बाद इसमें मैं पिस्ते की कतरन लगा रही हूँ। आपने भी देखा होगा हलवाई भी पिस्ते की कतरन से ही इसे डेकोरेट करते हैं। वैसे आप चाहें तो बिना डेकोरेट किए भी इसे सर्व कर सकते हैं। स्पून से प्रेस कर दें, इससे पिस्ते या तो ड्राई फ्रूट बादाम वगैरह जो भी इस्तेमाल आप कर रहे हैं कट करने के समय निकलेंगे नहीं। फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए रख दें, ये आसानी से जम जाता है या तब तक के लिए जब तक आपके फ्रिज में सेट होता है। इसके बाद नाइफ की हेल्प से अपने मन चाहे शेप में कट कर लें। कट करने से ही पता चल रहा है कितना स्मूथ बना है और साथ ही दानेदार है, बिल्कुल परफेक्ट हलवाई स्टाइल। खाकर आपको मजा आएगा क्योंकि इसे आपने घर पर खुद से बनाया है, दूध फटने के बावजूद भी बनाया है। दूध फटे हुए बिना भी बना सकते थे नॉर्मल दूध से, पर इससे ज्यादा मजा आता है क्योंकि किसी चीज को बर्बाद नहीं किया और एक नई डिश बना ली। अब रबड़ी की डिश शेयर कर रही हूं आपसे। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई को घी से ग्रीस कर लें, जिससे रबड़ी बनाने में कोई भी वेस्टेज नहीं होगा दूध का। इसमें 1/2 लीटर के करीब दूध डालें, गाय या भैंस किसी भी दूध का इस्तेमाल करें। और इसमें कुछ केसर के धागे कढ़ाई में ही डाल दिए मैंने, क्योंकि उबलेगा तो केसर के धागे खुद ब खुद इसमें मिक्स हो जाएंगे। इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है ये, ना चाहें तो इसके बिना भी बना सकते हैं। एक बार मिक्स करके उबाल लेने दें, साइड से जो भी उबल कर कढ़ाई में चिपकता है स्क्रेप करते रहें। उबाल आ चुका है, अब आंच धीमी करें और 1 मिनट इसी तरीके से पका लें और 3 से 4 चम्मच चीनी डालें, क्योंकि रबड़ी हल्की मीठी होती है। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा भी चीनी मिला सकते हैं। चीनी घुल कर इसे थोड़ा पतला करती है, तो 1/2 मिनट और पका लें। वैसे तो रबड़ी को धीमी आंच पर पकाकर और काढ़ कर बनाया जाता है, पर इस रबड़ी में जो छेना मैंने बताया था ना बनाने, उसे धीमी आंच करके 4 चम्मच डालें। ये रबड़ी बहुत ही जल्दी बनती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। वैसे ही छेना कभी फटता हो तो उसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएं। ये गाढ़ा हो रहा है, यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट की कतरन डाल रही हूँ मैं। बादाम और पिस्ता लिया है मैंने और इसे यहाँ पर तेज आंच पर ही उबालें। 2 मिनट में ही ये गाढ़ा होने लग गया है और केसर का कलर काफ़ी अच्छा आ गया है। खुशबू और स्वाद दोनों ही केसर और इलायची से इस रबड़ी में काफ़ी अच्छा आता है। रबड़ी गाढ़ी होने लग गई है, तो आपको स्पून से दिखाती हूँ कितनी गाढ़ी हो चुकी है। इस तरीके से स्पून से मिलाते हुए चलाएं। इससे ज़्यादा इसे ना पकाएं क्योंकि ये बाद में और भी ठंडी होने के बाद गाढ़ी होगी। आँच बंद कर दें यहीं पर। बिल्कुल गाढ़ी और मलाईदार रबड़ी परफेक्टली रेडी है। गर्मा गर्म या तो ठंडी, जैसी पसंद हो। कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और गुलाब की पंखुड़ियों से गार्निश करें। मालपुआ, घेवर और जलेबी के साथ रबड़ी काफी टेस्टी लगती है।